हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ज्योतिष के अनुसार हमें घर पे डॉग रखना चाहिए या नहीं। जैसे ही आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या पंडित जी के पास जाते हैं, अगर किसी का केतु खराब होता है या शनि सही नहीं होता कुंडली में, तो कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। और नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक बढ़िया सा विदेशी नस्ल का कुत्ता ले आते हैं, जैसे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या पग या ऐसा कोई कुत्ता ले आते हैं और उसको अपने घर पर रख लेते हैं। और दूसरा, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम उस कुत्ते की जो टेल है उसको भी कटवा देते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में जो टेल है उसी को केतु माना जाता है, और कुत्ता तभी केतु का कारक माना जाएगा जब उसको प्रॉपर टेल होगी। और जब हम टेल कटवा देते हैं तो केतु हमारा ठीक होने की बजाय और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जो बहुत बढ़िया नस्ल के हम डॉग लेकर आते हैं, ये मार्केट से खरीद कर लाते हैं, और जो बेचने वाले सेलर होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही कुत्ते का बच्चा पैदा होता है उसको उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है। और होता क्या है, चाहे बच्चा जानवर का हो या इंसान का हो, अगर उसे माँ का स्नेह नहीं मिलता तो चंद्रमा वीक हो जाता है। माँ का जो कारक है वो चंद्रमा है। और इस तरह का हम डॉग घर पर लेकर आते हैं, उसको पालते हैं, तो उस हमारा जो केतु ठीक होना था वो तो बाद की बात है, हमारा मून भी इससे ख़राब होता है। तो मेन चीज़ क्या है, हमें कौन सा कुत्ता घर पे पालना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है। और जैसे हम ये जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर या पग ऐसे डॉग्स हम घर पर लाकर पालते हैं, हम इनको बहुत बढ़िया डाइट खिलाते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं घर पे, लेकिन कौन सा कुत्ता ऐसा होता है जो केतु का कारक होता है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको खिलाने से, उनको एक तरह से उनकी सेवा करने से केतु ठीक होता है। जो यह डॉग हैं, जो विदेशी नस्ल के डॉग हैं, इनको घर पे रखने से केतु हमारा ठीक नहीं होता, उल्टा खराब होना शुरू हो जाता है। हमारे प्लैनेट्स की जो दशा है उल्टा हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जो डॉग हैं यह खुली जगह पर रहने वाले शिकारी डॉग होते हैं। इनके लिए ज़रूरी होता है कि हर रोज़ ये रनिंग करें, खुली जगह पर दौड़ें। उल्टा हम क्या करते हैं, हम इनको चेन से बांधकर घुमाते हैं, थोड़ा बहुत घुमाते हैं, घर के बाहर हम बांध देते हैं, घर के अंदर इनको बांध कर रखते हैं। ऐसा करने से हमारे पैरेंट ठीक होने की बजाय उल्टा और उल्टा असर करना शुरू कर देते हैं, गलत असर। और हमारे जो प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए हमें उनका कोई फल नहीं मिलता, और हम और ज़्यादा डिप्रेशन में या और ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाती हैं। तो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुत्ता पालना चाहते हैं तो बेशक आप उसे घर पे ना पालें, किसी स्ट्रे डॉग को जो बाहर डॉग घूमते हैं उनको, उनका पपी अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ज़्यादा देर बांध कर ना रखें, उनको खुला रखें, उनको फीड करें। अब नॉर्मली क्या होता है, हम बढ़िया जो विदेशी नस्ल के कुत्ते घर पे ले आते हैं, फिर उनको हम फीड में क्या देते हैं, नॉर्मली नॉन वेज खिलाना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेज खिलाते हैं, उससे क्या होता है, हम अपना केतु तो ठीक नहीं कर पाते, उल्टा हम एक तरह से राहु को, एक तरह से राहु को हम अपने घर में आने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि नॉन वेज ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है, उससे केतु ठीक होने की बजाय राहु खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने घर पे डॉगी रखा भी है तो ज़्यादा नॉन वेज ना खिलाएं, ओकेजनली उसको, क्योंकि उनकी फीड है नॉन वेज तो ओकेजनली खिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर रोज़ उनको नॉन वेज खिलाते जाएं। और अगर आपने कुछ लोग लैब्राडोर्स रखते हैं, रोज़ उनको इतना खिलाते हैं कि वो इतने मोटे हो जाते हैं उनसे चला भी नहीं जाता, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर पर रख भी रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कुत्ते की जो भी हेल्थ है वो ठीक रहे, उसको ज़्यादा देर बांध कर नहीं रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रीडम देनी है, खुला रहेगा, अगर वो खुश रहेगा तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब और क्या चीज़ देखनी पड़ती है कि हमने मेल डॉग रखना है या फीमेल डॉग रखना है। तो अगर आपको पुत्र की चाहत है या आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मेल डॉग रखा जाता है घर पे, उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलता है मेल डॉग रखने से। और अगर कभी भी गलती से आपने किसी लड़की का दिल दुखाया हो या कोई ऐसी गलती की हो, तो घर पे आप फीमेल डॉग रखेंगे तो उसकी सेवा करेंगे, तो आपके जो ऐसे
पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप कुत्ता रखने के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि ऐसा डॉग घर पे रखें जिसको ज़्यादा देर बांध कर ना रखा जाए, जिसको आप थोड़ी फ्रीडम दे सकें, उसको ज़्यादा नॉन वेज ना खिलाना पड़े, आप वेज खाना उसको खिलाएं, तभी आपको वो डॉग घर पे रखने का बेनिफिट होगा, ज्योतिष के अनुसार तभी बेनिफिट होगा। होता क्या है, नॉर्मली कुंडली में अगर वीनस के साथ केतु है तब डॉग रखने का डक रखने की सलाह दी जाती है, या सूर्य के साथ केतु होता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से वो यह है कि आप किसी स्ट्रे डॉग को घर पे बेशक ना रखें, उसको हर रोज खाना देना शुरू करें, वो अपने आप घूम फिर कर हर रोज आपके घर के आगे आ जाएगा, उसको रोज फीड करें, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप हर रोज रेगुलरली ऐसे स्ट्रे डॉग को फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं, या कुछ भी अच्छा सा वेज खिलाते हैं, नॉन वेज मत खिलाएं, नॉन वेज खिलाने से आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सही नहीं होंगे। तो यह कुछ ज्योतिष के उपाय थे, कुछ विचार थे जो कुत्ते के रिगार्डिंग थे, डॉगी के रिगार्डिंग थे, जिनका हम कई बार ध्यान नहीं देते और हम गलती से ऐसी और गलतियां कर बैठते हैं, कुत्ता ले आते हैं, उसकी टेल कटवा देते हैं और अपने प्लैनेट्स को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहता था कि कुत्ता रखना एक उपाय नहीं है, बल्कि कौन सा रखना है और किस तरह से उसको रखना, यह एक प्रॉपर उपाय है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।